बिजली थोड़ा बंद कर दो फिर। देखो हमने टेंस का टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस आ जाए तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। पहचान के लिए हमने बताया था, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखवाया था, तो इसकी पहचान क्या थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता आदि शब्द आए तो हम पहचान जाएंगे क्या हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो हम ये फॉर्म उनका यूज करेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ा है ना, उसके बाद में नेगेटिव में इसका यूज करेंगे। या फिर दूसरा हमारा फॉर्मूला था इसका पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पता लगा ना हिंदी का आया, तब पता लगा कि हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक, अब आपके एग्जाम में इंग्लिश में सेंटेंस आएगा, इसमें आएगा इंग्लिश में आएगा। अब इंग्लिश के सेंटेंस को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस भाई। इंग्लिश में तो ऐसे तो है नहीं कि ता है, ती है, ते है, ये आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी के लिए हमने पहचान के लिए ये एडवर्ब्स क्रिया विशेषण लिखा है। इस तरह ये आपके सेंटेंस में शब्द आने वाले हैं, ये शब्द आपको याद करने पड़ेगा। सेंटेंस में ये शब्द आएंगे तो निश्चित रूप से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट तो देख ही लोगे ना, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा ही सी इट नेम है ना, या सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस का प्रयोग करेंगे ना। या फिर प्लुरल सब्जेक्ट है, जैसे आई वी यू दे या प्लुरल नाउन हो, तो उस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे ये क्रैक सम ऑफ द वर्ब यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। के बाद समझ में है ना। तो अगर नेगेटिव का भाव हुआ तो नोट आएगा, उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे। किसको देख करके, सब्जेक्ट को देख। हालांकि सब पहचान की दृष्टि से दिए आने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें बताया है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। अब जैसे कि ये आपका ये वर्ड है, मीनिंग है, ये याद करनी पड़ेगी। अब इसमें ट्रांसलेशन तो हमने लिखा नहीं है, हालांकि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे इसका ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, बीच का बोलना नहीं आ रहा, तो आप पेंसिल से खुद सेल्फ राइट कर सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लो कि सर जी इसको क्या बोलेंगे, बताया जाएगा। तो ऑलवेज क्या होता है, हमेशा, ऑफ्टन यानी अक्सर या प्राय। उसके बाद में डेली, डेली मतलब क्या होता है, रोजाना। अब रेगुलरली का मतलब भी क्या होता है, रोजाना या नियमित, ठीक है ना। तो सेल्डम यानी कभी कभी, सेल्डम यानी क्या होता है, कभी कभी। रेयरली कभी है ना, ऐसे बोलो रेयरली, बहुत कम ऐसी स्थिति होती है रेयरली केस में, है ना ऐसे। रेगुलरली मैंने भी बताया, नियमित रूप से। नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। जनरली सामान्य तौर पर, है ना। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है, आपने सिग्मा एफेक्टिव पढ़ा है ना, फ्रिक्वेंटली एफ का मतलब फ्रिक्वेंटली होता है ना, बारंबारता है ना, बार बार। ओकेशनली यानी यानी अवसर मिले तो अवसरी का हम बोल सकते हैं, जैसे कि ओकेशनली, ठीक है। हार्डली कठिनता से। स्क्रेसली, स्क्रेसली, स्क्रेसली का हिंदी क्या होता है, स्कैसली, कभी नहीं, ऐसा कुछ अर्थ इसका ना आपको बताएंगे। स्कैसली इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। अब ये ही इवनिंग इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इन द इवनिंग यानी शाम में। इन द सॉरी, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिएगा एवरी और ईच, एवरी और ईच, ये दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हैं। देखिएगा एवरी वीक, यहां लगा, ठीक है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सुन में आ गया ना। ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, ठीक है ना।
एवरी प्रत्येक रिच का मतलब क्या होता है प्रत्येक। उसके बाद में ऑन संडे और ऑन मंडे, उसके बाद वंस ए डे वंस ए वीक, ठीक है ना। अब इसके बाद में और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं वंस ए हवर, इस प्रकार से ना वंस ए ईयर, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी सदा सत्य रहने वाली बात। जैसे कि हम कहें कि द अर्थ मूव राउंड द सन, जैसे कि द अर्थ इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाला है ग्रेट्स ऑफ द अर्थ का, इस प्रकार से आएगा। तो आप पहचान जाओगे ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, हमारा सदा सत्य रहने वाला सेंटेंस है। कहने का मतलब जो पृथ्वी है वो हमेशा सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य थोड़ी पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना। तो यहाँ सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एस का प्रयोग करें कि ई एस का प्रयोग करें, एस का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के अंत में ई शब्द आया है। अगर यहाँ पे वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एस डब्ल्यू एस जेड आते तो हम किसका प्रयोग करते, ई एस का प्रयोग करते। यहाँ लिख देंगे एम ओ वी ई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बैलेंस बनना है। उसके बाद में साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब क्या होता है वैज्ञानिक सत्यता। हम कहें कि द वाटर बॉयल है ना, द वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 सेल्सियस मतलब कि 100 डिग्री के ऊपर जब तापमान हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है उबलने लग जाता है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है ना। तो उसी स्थिति में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या होता है आदत संबंधी। जैसे कि हम कहें कि द डॉग है ना, द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, जो कुत्ता है वो किसके ऊपर भौंकता है अजनबियों के ऊपर, आदत है ना उसकी। तो हैबिचुअल फैक्ट अगर आदत संबंधित कोई बात कही जाए तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे वर्ब की प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बाद में प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है कहावतें, कहावत सुनिए ना, अंधा भी से रेवड़ी फिर अपने को दे है ना, इफर्ट है। इस प्रकार से कहावतें लोगों की मुहावरे वगैरह हैं, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये एस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम समस्या दिक्कत आपको क्या डिफिकल्टी है क्या, ये शब्द आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे, ट्रांसलेशन से मतलब नहीं है, इन शब्दों को याद करने से मतलब है। ये शब्द आपको पहचान करवाएंगे कि कौन सा टेंस का यूज होगा इस प्लेटफॉर्म का, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एम। हमने क्या छोड़ा है केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि आपके फॉर्मूले काम आ रहे हैं यहाँ पे, काम आ रहे हैं ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है आज, नाउ का मतलब क्या होता है अब, एट दिस टाइम यानी इसी समय, एट दिस टाइम इसी समय, एट दिस मोमेंट यानी इसी क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में, नाउ ए डेज यानी इन दिनों, या अब इन दिनों, इन दिस डेज यानी इन दिनों, मतलब अब ये दिन या अब ये दिनों या फिर ये इन दिनों, स्टिल स्टिल मतलब क्या होता है तब तक, लुक का मतलब क्या होता है देखो। और यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है ना ये इस चिन्ह को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्म्यादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। मतलब ये आश्रित का भाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनके सामने विस्म्यादि बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, ठीक है। सी, सी का मतलब क्या होता है देखना, लुक का मतलब क्या होता है देखना, और लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है सुनना। तो
ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको करेक्ट फॉर्म द्वारा भी अपलिंग डबल एंड में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना, लेकिन ये शब्द आपको याद हो जी। अब इसके बाद में हम एग्जांपल आपको देकर के समझाएंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है आर इन वॉस मूवमेंट, तो आपको पहचान करनी होगी और पहचान करने के बाद में आपको करेक्ट फॉर्म द्वारा में ये भरने होंगे। ये कब भर पाओगे? जब आपको याद, जब तो भर पाओगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब याद ही नहीं होगा तो कैसे भरोगे आप? करेक्ट फॉर्म द्वारा आपको ठीक से भर नहीं पाओगे ना, तो याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें कौन से शब्द देखने को मिलेंगे आपको? जस्ट, जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, ऑलरेडी पहले से ही। आप ध्यान कीजिएगा, ऑलरेडी जो शब्द है ऑलरेडी पहले से ही, यट, यट ये क्या होता है? तभी या फिर अभी, है ना, और यट का मतलब यदि भी होता है। उसके बाद में सो फॉर, इतनी दूर, रिसेंटली यानी अभी वर्तमान में, रिसेंटली है ना, अभी ना रिसेंटली अभी यहाँ से गया है तो तुरंत। लेटली मतलब क्या होता है? देरी से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना, ये इसका प्रयोग कर रहे हैं। और सिंस फॉर प्लस टाइम आपको देखने को मिलेगा, तो आप पहचान जाओगे कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना।